लास्ट टाइम वी डिस्कस द एक्सपोनेंशियल टाइप इक्वेशंस एंड टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू सॉल्व द रेडिकल इक्वेशंस लाइक इक्वेशन ऑफ द टाइप ax ax प्लस b स्क्वायर रूट इज इक्वल टू cx प्लस d लाइक दिस टाइप एंड Another type of radical equations is x plus a square root plus x plus b square root is equal to x plus c square root. And the third type of radical equation is x square plus px plus m square root is equal plus x square plus px plus n square root is equal to q. So we have three types of radical equations. The first kind of radical equation is this, second is this, and the third is this. So in this exercise 1.4, we discussed these three types of equations, radical equations. So if we have one of इन तीनों में से अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन आ जाए तो उसको हम किस तरह टैकल करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड कि अगर हम इन तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड उसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग एनी क्वाड्रेटिक मेथड देन हाउ कैन वी सॉल्व दीज काइंड ऑफ इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है 2x plus 5 is equal to 7x plus 16 square root. So now if you would like to see over here, just I would like to say that if we're taking a square on both sides and we get 2x plus 5 whole square is equal to 7x plus 16 square root whole square. Now a plus b whole square algebraic using algebraic formula a square plus 2ab plus b square this formula using here and we get 2x whole square is 4x square plus 25 plus 2 to the 4 4 5 20x is equal to ye square root se cancel ho jayega and 7x plus 16 Now, इसको हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाना है लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो मीन लेफ्ट साइड पे एक्स की बड़ी पावर देन स्मॉल पावर एंड देन कॉन्स्टेंट नंबर एंड राइट पे जीरो सो 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो एंड देन 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7x वी कैन राइट 13x प्लस 25 माइनस 16 आंसर इज प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो नाउ फैक्टराइज दिस इक्वेशन ऐड करना है एंड प्लस करना है प्लस का 13x चाहिए एंड मल्टीप्लाई करें 9 4s are 36x square चाहिए एंड वी कैन फैक्टराइज दिस इक्वेशन एंड वी गेट 4x square प्लस 9x प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड देन वी कैन राइट x इज कॉमन इनटू 4x प्लस 9 प्लस 1 इज कॉमन 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 And then 4x plus 9 is common into x plus 1 is equal to 0. And then product of two factors are equal to 0. That means one of them is 0 or both are equal to 0. So we can assume that both are equal to 0. So we can write 4x plus 9 is equal to 0. Or x plus 1 is equal to 0. Then we can write 4x is equal to minus 9 and x is equal to minus 9 by 4 or x is equal to minus 1. So our solution set is
माइनस 9/4 और माइनस 1, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपके पास इक्वेशन रेडिकल फॉर्म में आता है लाइक स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको हम किस तरह टैकल करेंगे, देन वी कैन। तो इस प्रॉब्लम को हमने ये, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन वन है, ये फर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये रेडिकल जो प्रॉब्लम्स की जो पहले टाइप है, ये वो क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया है। ओके, now again we can solve question number 8. We are solving question number 8, exercise 1.4. For a plus x square root minus a minus x square root is equal to square root of a, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड को यूज करके, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी एक्स की सेकेंड पावर नजर नहीं आ रही, या इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके बाद फिर हम इसको फर्दर देखेंगे कि इस पे कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से हो सकता है या क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो सकता है या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हो सकता है, वो बात की बात है। उससे पहले हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो अगर हम देखें तो इसके दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे। किस तरह करेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर ले लेंगे, taking a square root, a square on both sides of equation 1, and we get 4a plus x square root minus a minus x square root the whole square is equal to square root of a ka whole square. Now a minus b whole square, then we can write a square 4a plus x square root का square plus b square 25 a minus x square root का square minus 2 form होने वाला into 4a plus x square root into a minus x square root is equal to, ये square square root से cancel हो जाएगा और a आ जाएगा a। Now again, square square root से cancel, 4a plus x plus a minus x, ये square square root से cancel, and minus 2 into using the properties of algebraic numbers or algebraic identities, we can write square root of a dot square root of, if we have a square root of a dot square root of b, then we can write square root of ab, mean अगर आपके पास दो different numbers का square root है and वो दोनों numbers multiply हो रहे हैं, then by the property of algebra we can write product of, so we can write अगर आपके पास दो different numbers का square root है and वो दोनों numbers multiply हो रहे हैं, तो हम उन दोनों numbers को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम लाइक स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट स्क्वायर रूट ऑफ बी, देन वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। सो वी कैन राइट 4a प्लस x स्क्वायर रूट डॉट a माइनस x स्क्वायर रूट, देन वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस x इनटू a माइनस x इज इक्वल टू a, एंड देन 4a
plus a 5a plus x minus x cancel 5a minus 2 square root of multiply by multiply these two factors and we can get 4a square minus 4ax plus ax minus x square is equal to a. Now again 5a minus 2 square root of 4ax plus ax we can write 4a square minus 3ax minus 4ax plus ax we can write minus 3ax minus x square is equal to a. A plus 4 है उस साइड पे जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा एंड वी कैन राइट हियर इज इक्वल टू 0. a उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा. नाउ 5a माइनस a वी कैन राइट 4a माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस साइड पे राइट साइड पे इसको ले गया तो इधर आके ऐड हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट के साथ. इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा या डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड एंड वी गेट divided by 2 and divided by 2. 2, 2 से cancel हो जाएगा. 2, 1, 3, 2, 2, 2, 4. Then we can write 2a is equal to square root of 4a square minus 3ax minus x square. Now again taking a square on both sides and we get, because अभी अगर हम देखें तो इधर again square root आ रहा है. इस square root को हमने remove करना है क्योंकि जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उसमें स्क्वायर रूट नहीं होता. सो हमने इस स्क्वायर रूट को रिमूव करना है. सो टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड वी गेट 2a स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल एंड 2a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट कैंसिल 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर. नाउ इफ यू वुड लाइक टू सी ओवर हियर 4a स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड अगर इसको हम राइट साइड पे ले आए तो लेफ्ट पे 0 रह जाएंगे एंड 0 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर से कैंसिल 0 इज इक्वल टू माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर. इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें माइनस इनटू 3ax प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1 ऑन बोथ साइड एंड वी गेट x square plus 3ax ये minus cancel हो जाएगा is equal to 0. Now x is common x into x plus 3a is equal to 0. Product of two numbers is equal to 0. So one of them is 0 or both equal to 0. Again let us suppose that both are equal to 0. So x is equal to 0 or x is equal to x plus 3a is equal to 0. And then x is equal to minus 3a. So our solution set is zero or minus 3a. So which is required solution? अगर हम इसकी short सी summary देखें, तो हमारे पास जो equation है, equation given थी हमारे पास radical form में, there are three terms and in terms के ऊपर square root है. तो हमने इसको सॉल्व करना था बाय यूजिंग एनी क्वाड्रेटिक मेथड. देयर आर थ्री क्वाड्रेटिक मेथड्स
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला. हमने इसको सॉल्व करना था बाय यूजिंग एनी क्वाड्रेटिक मेथड. तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखें तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच नहीं कर रही थी. तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट रिमूव करना, हमारा टारगेट था कि हमने इसको रिमूव करना है. सो हमने दोनों साइड से स्क्वेयर ले लिया. उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई किया स्क्वायर ओपन करके, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट फाइनल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0. एंड देन उसको हमने फैक्टराइज कर दिया. आफ्टर फैक्टराइजिंग दिस इक्वेशन एंड वी गेट टू वैल्यूज ऑफ x, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3a. सो व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1. इसको हमने सॉल्व करना है. ओके, सो अगेन अगर हम इसको देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है एंड इसमें एक्स स्क्वायर की टू टर्म्स आ रही है, एक्स की टू टर्म्स आ रही है, एंड देन कॉन्स्टेंट नंबर्स भी टू टाइम्स सेपरेटली आ रहा है, एंड स्क्वायर रूट भी आ रहा है. सो उस फॉर्म से मैच नहीं कर रहा. अगेन सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में लाइक दिस फॉर्म, एंड देन हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे. सो लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर, अगर हम देखें जो स्क्वायर रूट जो रेडिकल फॉर्म में आ रहे हैं, दो फैक्टर्स हमारे पास इधर, दो ये दो टू टू टर्म्स, दोनों की टू टर्म्स सेम आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. सो वी कैन सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई. नाउ पुट इन दिस इक्वेशन एंड वी गेट वाई प्लस वन स्क्वायर रूट माइनस वाई माइनस वन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1. नाउ अगेन टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड एंड वी गेट y plus 1 square root minus y minus 1 square root whole square is equal to 1 square. A minus b whole square we can write y plus 1 square root whole square plus y minus 1 square root whole square minus 2 into y plus 1 into y minus 1 square root is equal to 1. स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, y प्लस 1 प्लस कैंसिल y माइनस 1 माइनस 2 इनटू, इनको हम दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं. y प्लस 1 इनटू y माइनस 1 वी कैन राइट a प्लस b इनटू a माइनस b, देन वी कैन राइट y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1. नाउ प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, प्लस y वी कैन राइट 2y माइनस 2 इनटू y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1. एंड देन ये माइनस इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, एंड 1 प्लस हो रहा है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. वी कैन राइट 2 माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1. नाउ टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड एंड वी गेट 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into square root of y square minus 1 whole square.
इसको ओपन करें तो हम लिख सकते हैं 2y-1 whole square by using the algebraic identity a minus b whole square we can write a square plus b square minus 2ab so we can write 4y square plus 1 minus 2 into 2y is 4y is equal to 2 square 2 पे जाएगा then we can write 4 ये square square root को cancel कर देगा into 4y square minus 1 then we can write 4y square plus 1 minus 4y is equal to 4y square minus 4 now again इन टू टर्म्स को हम अगर लेफ्ट पे लेके आए 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड देन प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर से कैंसिल देन वी कैन राइट प्लस 1 प्लस 4 इज प्लस 5 5 इज इक्वल टू ये माइनस फोर वाई है इसको अगर हम लेफ्ट पे राइट साइड पे ले जाए तो प्लस फोर वाई हो जाएगा एंड फोर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 5/4 इज इक्वल टू वाई अब अगर हम देखें तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई है तो लेकिन हमारा जो क्वेश्चन गिवन था जो प्रॉब्लम गिवन था वो एक्स में है उसमें जो इन्वॉल्विंग वेरिएबल है वो एक्स है वाई नहीं है सो सबसे पहले हमने फाइनल जो आंसर देना है वो y में नहीं देना हमने ओरिजिनल वेरिएबल में देना है एंड ओरिजिनल वेरिएबल इज x नॉट y सो अगेन रीसब्स्टिट्यूटिंग हमने जो सब्स्टिट्यूशन ली थी सपोजिशन ली थी वहां पे हम रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे x y की वैल्यू को देन वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/4 4 डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 into x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5 and then 4x square plus 4x is equal to 5 and 4x square plus 4x minus 5 is equal to 0 multiply karein 5 4s are minus 20x square and subtract karein to plus ka 4x chahiye hame so ये सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है स्क्वायर टर्म में देन लीनियर टर्म में एंड देन कांस्टेंट नंबर है Okay, so the value of a is 4, the value of b is 4, and c is minus 5 by using quadratic formula. And we can write x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. Substituting the value of a, b, and c here in this formula. Minus b minus 4 plus minus b square this 4 square is 16 minus 4 into a is 4 c is minus 5 divided by 2 into 4 now after substituting this form these constant numbers multiplying and then taking a square root of this constant number and finally after calculation we get the value of x so the final value aayegi wo hamare final roots honge ya x ki values hongi and I hope you have complete kar lenge so short summary again agar hum theme le to iska theme quadratic equation ki sabse pehle humne kya kiya hamara target tha ki humne is equation ko convert karna hai quadratic equation mein kyunki general form of quadratic equation se ye मैच नहीं कर रही सो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट किया सपोजिशन ली बिकॉज यहाँ पे टू टाइम्स स्क्वायर टर्म आ रही है एंड दोनों स्क्वायर रूट में आ रहे हैं सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर सो सबसे पहले हमने सपोजिशन ली दो टर्म्स सेम आ रही हैं इन दोनों टर्म्स को हमने सपोज किया एक न्यू वेरिएबल में एंड सब्स्टिट्यूट कर दिया देन स्क्वायर रूट को रिमूव किया आफ्टर रिमूविंग दिस स्क्वायर रूट एंड रूटीन कैलकुलेशन एंड फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 5/4 एंड हमने जो न्यू वेरिएबल सपोज किया था उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास लेकिन हमारा जो फाइनल हमारा जो क्वेश्चन था उसमें वाई नहीं था उसमें वेरिएबल एक्स था वाई नहीं था सो हमने जो फाइनल आंसर देना है वो ओरिजिनल वेरिएबल में देना है सो अगेन री सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई की वैल्यू को इधर
x square plus x is equal to 5/4, and then after resubstituting this value and doing routine calculations, and finally we get the value of x. And जो सॉल्यूशन जो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा.